जितना
पीछे हटते चले गए, लोग उतना ही उनके नजदीक जाते चले गए, वो बहुत दूर तक चले गए। वो इसी तरह से लगभग 100 मीटर के आसपास वो पीछे हटते चले गए और लोग उनके संग जाते चले गए। उन्होंने कहा, तुम कहाँ आ चुके हो? लोगों ने कहा, हम तो वही हैं जहाँ पर बैठे थे। स्वामी जी ने कहा कि पीछे मुड़कर देखो। जब पीछे मुड़कर देखा तो बहुत दूर आ चुके थे। फिर उन्होंने कहा, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, वो तो केवल पशु मात्र थे। जब एक बुद्धिजीवी शब्द के इतने प्रभाव से इतनी दूर तक आ सकता है, और मैं तो एक आम इंसान हूँ, वो तो स्वयं साक्षात परमपिता चेतन सत्ता उतर करके आए थे और पहुंचे थे, बिल्कुल उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं, न आज तक हुआ है न हो सकता है। तो इसी प्रकार से उसकी आयु 9 वर्ष की, और जब उन्होंने जब रास हुआ तो बांसुरी का नाद नहीं बजा, नाच जब मुरली का भी, क्योंकि ये अलग अलग दोनों हैं, जब रास होता है तो रास के समय वेणु का नाद बजाया जाता है। वेणु का नाद उच्चतम श्रेणी का नाद है, तो इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। जब उन्होंने रास की शुरुआत की, क्योंकि कामदेव को भी बड़ा इंकार हो गया था कि मैं आपके ऊपर प्रभाव कर दूंगा, इस कारण से श्री कृष्ण जी ने कामदेव को स्वयं बुलाया और कहा कि आज ये शरद पूर्णिमा है और आज रास की शुरुआत होगी, नारियां भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो तो इन सब वस्तुओं से, इस सब काम से सबसे निर्लेप हो चुके थे, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष बहुत दूर जा चुके थे। जो ही उन्होंने वेणु बजाना शुरुआत की, जो भी गोपियां थी जिस हालात में थी, चाहे कपड़े पहने हुए थी, चाहे भोजन पका रही थी, चाहे सो रही थी, चाहे जिस भी हालात में थी, वैसे ही सब कार्य अपने छोड़ करके वहां से चली आई और चल पड़े वृंदावन की ओर, मधुबन। आज भी रास बिहारी, जहां से बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई, वहीं पर रास वृंदावन के अंदर कहते आज भी रास होता है वहां। तो वो रास बिहारी जब जब जरूरत होती है, यही